नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इस परिचर्चा में आज 10 अक्टूबर को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के कैसे हाल चाल रहे और अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम मुख्य रूप से देखें कि पिछले 24 घंटे में बारिश की क्या स्थिति रही भारतवर्ष में, तो हम पाएंगे कि जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो कुछ एक क्षेत्रों में, जो हमारे साउथ हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम का इलाका है, वहाँ पर रिपोर्ट की गई। वहीं के साथ साथ तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ एक क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा रिपोर्ट की गई। अगर हम इसको नंबर्स के टर्म्स में यानी आप लोग समझें, तो जो हमारा कूच बिहार का जो एरिया है समल वेस्ट बंगाल में, वहाँ 12 सेंटीमीटर वर्षा रिपोर्ट हुई। वहीं कोम्बेटूर में 12 सेंटीमीटर और जो हमारा कंगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर जो उत्तरी 24 परगना का इलाका है, वहाँ पर 11 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो कि हैवी रेनफॉल कैटेगरी में आती है। इसके साथ साथ भारी वर्षा जो है वो कुछ एक स्थानों में, जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, गुजरात रीजन है, केरला, माहे और गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ एक स्थानों पर रिपोर्ट की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। हमारे 24 घंटे का जो समय अंतराल है वो कल के दिन के 8:30 बजे से लेकर के आज सुबह 8:30 बजे तक का होता है। अगर हम बात करें आज की मॉनसून की कंडीशन की, जैसे आप जानते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है उसकी इस समय विड्रॉल फेज, वापसी का जो समय है वो चल रहा है। तो जो कल की स्थिति जो विड्रॉल लाइन की वही आज भी है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून का जो विड्रॉल लाइन है उसमें कल और आज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि हमारा अनुमान ये है कि कंडीशंस जो है वो और फेवरेबल होंगी जो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी वापसी की, और ये जो बचा हुआ इलाका है गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, इन सभी इलाकों से और इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का और बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों से अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की वापसी या विड्रॉल हो सकता है। अगर हम देखें कि क्या सिनॉप्टिक घटनाएं थी जो भारतवर्ष को आज प्रभावित कर रही हैं, तो हम पाएंगे कि एक जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र है वो हमारा पूर्वी मध्य अरब सागर पर केंद्रित था, जो कि गुजरात और कर्नाटक के तटों के पास स्थित था। इसके साथ साथ एक चक्रवाती पर संचरण जो है यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर तमिलनाडु तट के पास में केंद्रित था। इसके साथ साथ एक चक्रवाती पर संचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पूर्वोत्तर असम के आसपास जो है निम्न क्षोभ मंडल स्तरों पर यानी लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर केंद्रित था। इसके साथ एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो जम्मू और उसके आसपास के लगे पाकिस्तान के क्षेत्रों पर केंद्रित था। और यही सभी मेन घटनाएं जो मौसमी घटनाएं थी जो भारतवर्ष को आज के दिन प्रभावित कर रही हैं। इसके वजह से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे आपने देखा कि जो हमारा सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र है वो कर्नाटक गोवा कोस्ट के पास में, जो हमारा पूर्वी मध्य अरब सागर का क्षेत्र है, वहां पर केंद्रित था आज। और इसके हमारा अनुमान यह है कि ये अगले 2 से 3 दिनों के दौरान एक और तीव्र होकर के एक अवदाब यानी डिप्रेशन में इंटेंसिफाई हो सकता है, तीव्र हो सकता है। और ये जो तीव्र होगा इसका जो क्षेत्र है वो जो हमारा सेंट्रल यानी मध्य अरब सागर है उसके आसपास ये एक अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके साथ साथ हमारा अनुमान ये है कि कुछ एक क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जो है केरला, माहे और तमिलनाडु में पूरे सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कर्नाटका, गोवा, जो महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र हैं, गुजरात रीजन में, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम वार्निंग के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि जो ऑरेंज वार्निंग है, नारंगी वार्निंग जो है वो तमिलनाडु के लिए, कोंकण गोवा को तटों के लिए आज के लिए जारी की गई है, जहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर होने की संभावना है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ साथ केरला, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पर भी कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसको कि येलो वार्निंग की तरह दर्शाया गया है। और जो हमारा मध्य भारत कुछ क्षेत्र है वहां पर जो आंधी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी, पीले रंग की चेतावनी यानी येलो वार्निंग जारी की गई है आज के लिए यानी 10 अक्टूबर के लिए। अगर हम 11 अक्टूबर की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा कोंकण गोवा का जो हमारा तट है वहां पर ऑरेंज वार्निंग यानी कि बहुत भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर होने की वार्निंग जारी की गई, चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ तमिलनाडु, केरला, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और साथ गुजरात के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है दूसरे दिन यानी कि 11 तारीख को। अगर हम तीसरे दिन यानी 12 अक्टूबर की बात करें तो हम पाएंगे कि जो भारी वर्षा की चेतावनी है वो कुछ एक स्थानों के लिए जारी की गई है, तमिलनाडु, केरला, दक्षिण कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात रीजन, जो हमारा कोंकण गोवा का तट है वहां पर, पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश के लिए, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा रिपोर्ट हो सकती है 12 अक्टूबर के दिन। वहीं 13 अक्टूबर की बात करें तो हम, जैसा कि हमारा अनुमान है कि एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो बंगाल खाड़ी के दक्षिण में 12 अक्टूबर के आसपास बन सकता है, और इसकी वजह से 13 अक्टूबर को जो तमिलनाडु, केरला के जो क्षेत्र है वहां पर बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज वार्निंग 13 तारीख को जारी की गई है। इसके साथ साथ
जो हमारा कर्नाटक का सॉरी जो हमारा कोंकण गोवा कोस्ट है वहां पर गुजरात क्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर हम पांचवें दिन यानी 14 अक्टूबर की बात करें तो फिर हमारा तमिलनाडु और केरला के लिए कुछ एक स्थानों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा दक्षिणांत कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है, येलो वार्निंग जारी की गई है। वहीं डे 6 और डे 7 यानी छठे दिन की बात करें तो कोस्टल जो हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश यानी तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा तमिलनाडु और केरल में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा। सातवें दिन यानी 16 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा और केरला में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर हम फिशरमैन मछुआरों भाइयों को सलाह दी जाती है कि जैसा आप मान से तुम देख सकते हैं जो भी क्षेत्र आपको ग्रे रंग से दर्शाया गया है उन क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के दौरान जाने से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र है जिसकी वजह से स्क्वाली वेदर की संभावनाएं हैं, और इसकी वजह से फिशरमैन को और मछुआरे भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो इन क्षेत्रों में जाने से अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बचे, जो कि आप ग्रे कलर से मैप में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और किसी त्वरित जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट मौसम वेबसाइट पर हमारे एक्स हैंडल को YouTube चैनल्स को विजिट कर सकते हैं, और किसी भी और अन्य जानकारी के लिए आप कभी भी वेबसाइट को एक्सेस करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस तरह जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।